मैं एंशियंट साइंस को समझने आया था, ये हमारी जो पुरानी जो विधि है, जो वेद है। मेरे पास अभी भी बैग में एक उपनिषद करके किताब रखी है, जो मैं काफी टाइम से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आई। इंग्लिश में ठीक ठाक हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो अभी तक नहीं थी। जो सेशन अटेंड किया उसके बाद एक तो इंटरनल हीलिंग हुई मेरे को। 14 साल से एक डिजीज है, जो कि आपने एक ब्रीदिंग की टेक्निक बताई थी मेरे को, उससे वो डिजीज जो है वो नियरली 60 से 70% तक रिलीफ में है, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि अकल गुरु जी ने मेरे को समझाई थी आपके माध्यम से। मैंने पहले मुझे मिले थे, पहली बार मिले थे इनको, मैंने कहीं 6 महीने तक आप प्रयास करते हैं, ये है नहीं, ये डिजीज क्यूरेबल नहीं है, तो हम मैं प्रयास करूंगा और मेरे प्रयास में बड़ा फल हो सकता है कि मैं मेहनत बिना मेहनत के काम हो जाता है मेरे, और मेहनत करूंगा तो काम हो नहीं होता है, ये मुझे पक्का पता है। तो उसमें हमने कोशिश की कि मुझे इससे लगा कि इससे करके कर सकते हैं, वही 9 वाले नहीं, और उसको बैलेंस ऐसे किया जा सकता है, और ये बैलेंस हो भी गए। आज ही इन्होंने बताया कि अभी 3 दिन में तो बहुत कुछ हो गया है, वो इससे पहले ब्रीदिंग के साथ इनका बहुत अच्छा खासा। इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी का जो सेशन था, मैं तो मेरा फर्स्ट सेशन, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो काफी हद तक 3 दिन में जितना आ जाना चाहिए उससे डबल या ट्रिपल मेरे को समझ में आ गया। न्यूमरोलॉजी सीख गए ना जी। इसके साथ साथ मेडिटेशन की मैं लगभग पिछले 2 साल के आसपास समय से मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि उसको करूं कैसे करता था, तो ऐसा बोर हो जाता कि टीवी देखने लग गया और किसी भी चीज में मतलब ऐसा तुरंत मन भटक गया। लेकिन पहली बार मैं 15 मिनट बैठा जिसमें मुझे कोई भी भटकाव नहीं आया किसी भी तरीके का, और अगर आप वो चीज आधा घंटा या 1 घंटे तक करते तो मैं उस चीज को कंटिन्यू कर सकता था। ये क्षमता केवल आपके माध्यम से मेरे को मिली। मेरी मदर मेरे को एक गुरु जी के पास ले गई थी, जिन्होंने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है पर इसका गुरु नीच का है, तो आज मेरा गुरु भी ऊंच का हो गया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, दिल से मैं आपको धन्यवाद। बहुत आपके पास लाखों और करोड़ों शिष्य होंगे लेकिन मेरे पास एक ही है।